सर, ये मानबिला में आज के आवंटियों को कब्जा दिलाने के लिए पुलिस फोर्स के साथ आप लोग आए हैं, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे वो बताइए। यहाँ पर 392 ऐसे आवंटी हैं जिनको रजिस्ट्री की जा चुकी है, तो उन लोगों को कब्जा देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मौके पर सड़कें बनी हुई है और नाली वगैरह बनी हुई हैं, और मौके पर चूंकि हमारा कब्जा है, मोबाइल पीछे भाई किसका है, आवंटियों को हम लोग जो है यहाँ पर कब्जा दे रहे हैं, और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश भी इधर हो गए हैं तो आदेश का अनुपालन भी किया जा रहा है। सर, ये मानवेला के जो लोग हैं, जो किसान हैं जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उनकी क्या डिमांड है, वो इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? इनकी भूमि अधिग्रहित पहले ही की जा चुकी है, और ये समस्त भूमि जो है हमारे राजस्व रिकॉर्ड में आ चुका है, हमारा नाम विकास प्राधिकरण का। इनकी कुछ परेशानियाँ थी, उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा, एक महोदय द्वारा इनकी बात सुनी गई है। क्योंकि यहाँ का एक व्यक्ति है शमीम अहमद, उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल किया है जिसकी सुनवाई 25 तारीख को लगी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश होगा उसके अनुसार, जो समझौते के अनुसार जो समझौता हुआ था उसका भी अनुपालन होगा। सर, जो जिन भूमि जिनकी किसान की जिनकी भूमि है, उनका कहना है कि जो सर्कल रेट है उनके हिसाब से उनको पेमेंट चाहिए, जबकि GDI उनको मात्र 64 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। नहीं, लैंड एक्विजिशन यदि धारा 11 के तहत कार्रवाई हो जाती है तो उसके बाद किसानों को केवल धारा 18 के तहत माननीय जिला जज के यहाँ जाने का केवल एक प्रावधान है। यदि जिला जज महोदय के यहाँ से भी कोई इनको लाभ नहीं मिलता है तो हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये कार्रवाई समस्त पहले ही हो चुकी है, क्योंकि 22 अप्रैल को एक समझौता हुआ था तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय और VC साहब के मध्य हुआ था। तो ये चूँकि हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के जो भी आदेश होंगे उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। अब चूंकि ज़मीन पर हमारा कब्जा है, मौके पर आवंटियों कब्जा हम यहाँ पर दे रहे हैं, 392 रजिस्ट्री हो चुकी है। इस समय हमारे पास करीबन 45 ऐसे आवंटी हैं जो खड़े हैं, उन जिनको कब्जा दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के किसानों को आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं, लोग धरने पर बैठे हैं आपके सामने, उनके सामने उनकी ज़मीनी आवंटियों को दी जा रही है। नहीं, हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर रहे हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। चूँकि माननीय उच्च न्यायालय जो भी निर्देश देगा, जो भी आदेश देगा, उसका हम लोग अनुपालन करेंगे। ठीक है।